हेलो सेकंड क्लास। तो आज जो हम लेसन करने वाले हैं इसका नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। थर्ड लेसन तक आपके फर्स्ट टर्म में आया था, अब हम उसके आगे अपना सिलेबस करेंगे। तो चिल्ड्रन, लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट एंड आउटपुट इन अ कंप्यूटर। यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाया गया है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। वेन यू ड्रॉ यूजिंग अ माउस द ड्राॅइंग एक्शन आर द इनपुट। जब आप ड्रॉ करते हो माउस की मदद से, तो जो ड्रॉ कर रहे हो आप वो एक्शन आपका क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। When the computer print the drawing, the printout is the output। और जब आप उसी drawing का printout निकाल लेते हो computer से, printer की मदद से, तो वो आपका output कहलाता है। ठीक है, Here your mouse to give the command to print your drawing। आप अपने mouse के ज़रिए computer को बता रहे हो ना कि अब उसे print करना है। ठीक है, The mouse is an input device। क्योंकि आप अपने mouse के ज़रिए उसे बता रहे हो, तो mouse आपका क्या है? Input device है। अबे चिल्ड्रन, हाउ डिड यू गेट द प्रिंट आउट ऑफ योर ड्राइंग? प्रिंट आउट कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। और प्रिंट आउट किसकी मदद से निकलता है? आपके प्रिंट आउट, सॉरी, प्रिंटर की मदद से निकलता है आपका प्रिंट आउट। देयरफॉर प्रिंटर मस्ट बी एन आउटपुट डिवाइस। तो प्रिंटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। क्योंकि कंप्यूटर कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकता है, उसे बताना पड़ता है। तो जिसकी मदद से आप काम कर रहे हो वो आपका इनपुट डिवाइस है, और जिसके ज़रिए आपको अपने काम का रिजल्ट मिलता है वो आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है, सॉरी। तो जैसे आपने माउस से क्लिक किया तो पिक्चर खुली, तो आपने उसको इनपुट दिया है कि आपको ये पिक्चर ओपन करनी है। अब आपको वो पिक्चर चाहिए अपने पास, तो आप उसको निकालोगे या वो आपको शो करेगा मॉनिटर पे कि हाँ आपने ये पिक्चर खोली है। तो मॉनिटर पे जो आपको शो कर रहा है वो आपका आउटपुट है। काम बताना इनपुट है, और काम का जो रिज़ल्ट आपको मिलता है वो आपका आउटपुट कहलाता है। चिल्ड्रन, वी यूज़ कीबोर्ड टू टाइप ऑन कंप्यूटर एंड अपेयर ऑन द मॉनिटर। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड में आप क्या करते हो? टाइप करते हो। और जो भी आप टाइप करते हो वो आपको कहाँ पे शो करता है? आपके मॉनिटर पे। तो टाइप करना हमारा इनपुट है, और जो मॉनिटर पे हम शो कर रहे हैं वो हमारा आउटपुट है। तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस एंड द मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है, और मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। इन द सेम वे द कमांड्स टू टाइप यूजिंग कीबोर्ड आर द इनपुट, एंड व्हाट यू सी ऑन द मॉनिटर इज द इनपुट। तो सेम यही चीज़ आपको बताई गई है कि कीबोर्ड में क्या होता है, जो आप टाइप कर रहे हो, कुछ भी टाइप कर रहे हो, नंबर है, एज है, कुछ भी टाइप जो आप टाइप कर रहे हो वो आपका इनपुट है, और जो मॉनिटर पर आपको वो शो कर रहा है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। ओके, हाउ डू यू लिसन सॉन्ग्स ऑन कंप्यूटर। आप सॉन्ग्स कैसे सुनते हो कंप्यूटर में? द स्पीकर आर यूज टू लिसन सॉन्ग्स ऑन कंप्यूटर। अगर कोई भी चीज़ आप कंप्यूटर के अंदर सुन रहे हो तो वो किसके ज़रिए सुन पाते हो? आप स्पीकर्स के ज़रिए सुन पाते हो। तो स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसमें से आवाज़ बाहर आ रही है। लेकिन अगर आपको कुछ बोलना है तो आप उसके लिए माइक्रोफोन का यूज़ करोगे, तो माइक्रोफोन हमारा इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप उसे इनपुट दे रहे हो। ठीक है, द सॉन्ग दैट वी हियर इज़ ऑल्सो द आउटपुट। और जो सॉन्ग या कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पीकर से बाहर आ रही है आवाज़, वो आवाज़ क्या है? हमारी आउटपुट है। फॉर लिसनिंग अ सॉन्ग यू क्लिक ऑन द सॉन्ग आइकॉन यूजिंग द माउस। क्योंकि आप उसे कमांड दे रहे हो ना, आप जैसे कोई सॉन्ग सुन रहे हो तो आप माउस के ज़रिए उस सॉन्ग को सिलेक्ट करोगे, तो माउस के ज़रिए उसे सिलेक्ट करना क्या है? इनपुट है। और स्पीकर के ज़रिए उसकी आवाज़ बाहर आना आपकी आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट को बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्लिकिंग द इनपुट मेथड डन बाय माउस। क्लिक किसके ज़रिए करते हो आप? माउस के ज़रिए करते हो। तो माउस के ज़रिए आप उसको बता रहे हो ना कि हाँ ये काम करना है, और जो आपको शो कर रहा है, जो स्पीकर सुना रहा है, वो आपका आउटपुट है। सो द माउस इज़ एन इनपुट डिवाइस। क्योंकि आप माउस के ज़रिए क्लिक कर रहे हो तो माउस आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। अब लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। और भी एग्जांपल आपको दिखाए गए हैं, जैसे हैव यू सीन अ कार्टून मूवी ऑन द कंप्यूटर। कभी तो आपने कार्टून मूवी देखी होगी कंप्यूटर में, या कार्टून देखे होंगे। ठीक है, द पिक्चर अपेयर ऑन द मॉनिटर एंड द साउंड केम थ्रू द स्पीकर। पिक्चर किस पे आती है? आपकी मॉनिटर पे आती है, लेकिन जो आवाज़ आ रही होती है वो आपको किसके थ्रू आती है? स्पीकर के थ्रू आती है। दिस मीन बोथ मॉनिटर एंड स्पीकर वेयर आउटपुट डिवाइस। तो इससे क्या पता चलता है कि जो स्पीकर और मॉनिटर आपका है वो क्या है? आपके आउटपुट डिवाइस है। ठीक है बेचा, तो आज के लिए हम ये दोनों आउटपुट और इनपुट डिवाइस पढ़ा है। इसके बाद हम अगली क्लास में प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ेंगे। तो ये तो इनपुट था कंप्यूटर को, जिसके ज़रिए हम कोई काम बताते हैं वो इनपुट होता है, और जिस पे हमारा काम शो करता है या जिसके ज़रिए हमने काम का रिजल्ट मिलता है वो हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। इसके साथ आपका जो काम आएगा वो आपको कॉपी में करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का लेसन करेंगे। और जितना भी काम आपको दिया जाएगा उसकी आपको PDF बना के भेजनी है, उसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस लगेगी।
ओके बेटा, बाय।